कैसी तबीयत है तुम्हारे बेटे की? तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो तुम उसका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करवाओ, क्यों सरकारी अस्पतालों के चक्कर में पड़ गए हो? बाजी बाजी, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर भी यही कहते हैं कि किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, मगर लियाकत, गाड़ी अंदर खड़ी करो और तुम जाओ। लेकिन साहब, गाड़ी तो छोटे साहब ले गए हैं। वक्त बेवक्त निकल जाता है, ये लड़का जानता भी है कि शहर के हालात सही नहीं है। वो अपने दोस्तों की पार्टी में गया है, जल्दी आ जाएगा। तुम जाओ, तुम्हारा टाइम हो गया है। वो साहब, बेटे को बड़े हॉस्पिटल में दाखिल कराना है और मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। अगर आप भाई, यही मसला है तुम लोगों के साथ, उंगली थमाओ तो तुम लोग कांधे पे आके बैठ जाते हो। साहब साहब, मेरा एक ही बेटा है, अगर अगर उसका बड़े अस्पताल में इलाज ना हुआ तो साहब देखो, मेरे कारोबारी हालात अच्छे नहीं, इतने टैक्स लग गए हैं कि दिमाग खराब हो गया है। साहब साहब साहब, मेरी महीने की आधी तनख्वाह आप ले लिया करें। साहब साहब, मुझ पर एहसान करें। साहब साहब, मेरी जिंदगी पे एहसान करें, मेरे बच्चे को बचा लें। साहब साहब साहब, अरे बाबा, मैंने कहा ना कि मैं नहीं कर सकता। मेरे बच्चे को बचा लें साहब। तुम जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे के लिए दुआ कर सकता हूं, समझे? बहरोज, अब उठ भी जाओ, 10 बज रहे हैं, कब तक सोते रहोगे? बहरोज, हद करते हो तुम भी, कभी तो खुद से उठ जाया करो, रोजाना मुझे उठाना पड़ता है तुम्हें। अम्मा, अभी तो आग लगी थी, उठा दिया आपने। सारी रात इंटरनेट पर लगे रहोगे तो नींदें कहां से पूरी होंगी तुम्हारी? चलो जाओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। अम्मा, बस 10 मिनट और सोने दे, सर फटा जा रहा है मेरा। 10 मिनट? तुम्हारे पापा इस दौरान तुम्हारा सर फाड़ देंगे, क्योंकि बहुत गुस्से में है वो। अच्छा, यार जी, अबू कहाँ आवारा गर्दी करते फिरते हो तुम? वो अबू कहीं नहीं, शाहजेब की बर्थडे में गया था। और ये रात को क्या हुआ था? कहाँ गाड़ी मारी है तुमने? मैंने नहीं अबू, मैंने गाड़ी नहीं मारी, वो एक मोटरसाइकिल वाला आके घुस गया था खुदी से। झूठ मत बोलो, अगर मोटर तो आज के बाद तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, समझे? अब जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो, ऐसा लग रहा है कि अभी भी सो रहे हो।
लियाकत अंकल, अस्सलाम वालेकुम लियाकत अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से? अरे वालेकुम सलाम आमिर बेटा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र अंकल। आए बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मेहरबानी, मैं चला जाऊंगा। अरे अंकल, मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा हूँ, आए बैठे, मैं छोड़ देता हूँ आप। अरे बेटा मैं घर की तरफ नहीं जा रहा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। वो सामने बस स्टैंड है, वहाँ से बस मिल जाएगी मुझे, मैं चला जाऊँगा। अच्छा अंकल, लाइक की तबीयत कैसी है? बस बेटा दुआ करो कि अल्लाह सेहत दे उसे। अच्छा बेटा ठीक है अंकल, ख्याल से जाइए। किन सोचों में पड़ गए हैं आप? सोचू नहीं तो और क्या करूं, एक नई टेंशन दे दी है तुम्हारे लाडले ने। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? साहबजादे रात को गाड़ी लेकर कहीं गए थे और कहीं गाड़ी मार कर लाए हैं। अच्छा, तो इसलिए आप इतने गुस्से में थे? भाई छोटे मोटे डेंट पेंट तो पड़ जाते हैं ना गाड़ी में। वो छोटा मोटा डेंट नहीं है, इसने रात को गाड़ी से किसी को हिट किया है। अच्छा हो गई ना गलती उससे, आपको भी तो उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, जवान बच्चा है कहीं। अरे तुम समझ तो रही नहीं हो बात को, मेरे ख्याल से इसने किसी बंदे को सामने से हिट किया है। हाय ला, मैं जाकर पूछती हूँ उससे, वैसे भी वो आज घर में ही है, कहीं बाहर भी नहीं निकला है और नाश्ता भी नहीं किया उसने। तुम्हारे पूछने से वो बता देगा? अरे जब वो मुझसे झूठ बोल रहा है तो तुमसे क्या खास सच बोलेगा? ठहरो मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। ये गाड़ी आप ही की है? जी हाँ मेरी ही गाड़ी है। तो यकीनन ये आप ही के नाम होगी? जी बिल्कुल मेरे ही नाम है। बाय द वे आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहराम अली खान है, मगर ये सब क्यों पूछ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है आखिर? खान साहब, कल रात आपकी गाड़ी से एक बंदा हिट हुआ और मौके पर ही जा बहक हो गया। क्या? आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया था, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं। आप लाइसेंस ले लें, आपको हमारे थाने चलना होगा। देखिए मैं दो दिन से कंप्लीट बेड रेस्ट हूँ, और दूसरी बात ये कि गाड़ी मैं खुद नहीं चलाता, गाड़ी चलाने के लिए मैंने अपना ड्राइवर रखा हुआ है। तो आपका मतलब ये है कि गाड़ी हादसे के वक्त आप नहीं आपका ड्राइवर चला रहा था? जी हाँ, कल रात तकरीबन 8 बजे मैंने अपने ड्राइवर को किसी काम से भेजा था, वो काम ख़त्म करके आया, चाबी मेरे हवाले की और फिर खामोशी से चला गया। और उसने हादसे के बारे में आपको कुछ नहीं बताया? बताया तो कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन बड़ा डरा हुआ, खामोश खामोश और घबराया हुआ था। बहरहाल थाने तो आप दोनों को चलना होगा, अपने ड्राइवर को बुला लें, अगर वो कहीं फरार हो गया तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे जरा अपनी गाड़ी का मुआयना करवा दें। आइए। ड्रिकी खुल गया।
इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से अंदर चल के बात करते हैं। आपको गाड़ी की चाबी देनी होगी क्योंकि आपकी गाड़ी बॉन्ड होगी। हाँ हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं एक कानून पसंद शहरी हूँ, आपसे हर तरह का ताउन करूँगा, मगर आप अंदर तो तशरीफ लेके चलिए, कुछ चाय ठंडा वगैरह हो जाए। देखें, मैं भी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हूँ और हमें इजाज़त नहीं कि तफ्तीश के दौरान किसी मुलजिम के साथ बैठकर कुछ खाएं या पिए। वो तो आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मगर मैं अंदर चलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अंदर ले जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस तो दिखा दूँ। आइए प्लीज। चले ठीक है, इतना इशार करते हैं तो बैठ ही जाते हैं। वही हुआ जिस बात का डर था। अब क्या होगा? वही संभालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पुलिस को पता चल गया कि हादसे के वक्त बहरोज गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो उसे लंबी सजा हो जाएगी, और तो और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। खुदा के वास्ते आपको जो करना है जल्दी करें। तो और क्या कर रहा हूं मैं? और सुनो, किसी कीमत पे भी बहरोज को बेडरूम से बाहर नहीं निकलने देना, समझे? जी ठीक है। लाइसेंस तो ठीक है आपका। अच्छा, आपने ड्राइवर को बुलाया? बस जनाब, वो 2-3 घंटे में मेरे पास आ रहा है। जैसे ही मेरे पास आया मैं उसे खुद लेकर थाने में हाजिर हो जाऊंगा। 2-3 घंटे? क्यों, कहाँ है वो? क्या बताऊं जनाब, उसका एक ही बेटा है और वो शदीद बीमार है। उसे लेकर वो अस्पताल गया है, बस जैसे ही अस्पताल से वो फारिग होगा सीधा मेरे पास आएगा। अब मैं उसे लेके आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा, उसे आपने बताया तो नहीं हमारे बारे में? आप बेफिक्र रहिए, मैं इन बातों को समझता हूँ। देखें जनाब, आप एक मौजूद शहरी हैं, इसीलिए आपके हाथ भी हल्का रखा है, वरना आप हमारे अंदाजे तफ्तीश से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। अगर मेरा ड्राइवर 2-3 घंटे में नहीं आया तो आप बेशक उसकी जगह मुझे बंद कर दीजिएगा। अच्छा, फिर वो आप कुछ चाय पानी में कह रहे थे? आप बुक तो खोल कर देखिए, मैंने इसमें चाय पानी का सारा इंतजाम कर दिया है। ये क्या है? चाय पानी जनाब? मैं ठंडी चाय नहीं पीता हूँ जनाब। अच्छा जनाब, चलिए अब हो गई आपकी चाय गरम। बस जरा कुछ ख्याल कीजिएगा, मेरे ड्राइवर का बहुत ही गरीब आदमी है। वो देखिए ना, सब कुछ आप ही के हाथ में है। जनाब, मैं इससे ज्यादा ख्याल ही रख सकता हूँ क्योंकि बात अब मीडिया तक पहुंच गई है। अरे जनाब, मीडिया में तो रोज ब्रेकिंग न्यूज चलती है, मगर क्या है, 2 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। अच्छा, वो लाइसेंस है ना आपके ड्राइवर के पास? जी जी जनाब, मुझसे भी पुराना लाइसेंस है। चलें, आप इसी तरह अगर हमारा ख्याल करेंगे तो मैं भी कुछ करता हूँ। बस दुआ करें कि मरने वाले के लवाहिकीन खामोश हो जाएं। अगर आप कहें तो मैं उन लोगों से बात करूँ? नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करते जनाब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन लोगों से किस तरह निपटा जाता है। बस आप ड्राइवर को लेकर फौरन थाने पहुँचें ताकि मीडिया में खबर आ जाए ड्राइवर की गिरफ्तारी की। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह 2-3 घंटे में मैं उसे लेकर हाजिर होता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। साहब से भी पैसे मांगे, साहब ने भी इनकार कर दिया, कोरा जवाब दे दिया। और अपने कासिम भाई नहीं है, कासिम भाई से भी बोला था मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि इस दफा बहुत नुकसान हो गया,
क्या करूं मैं, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। लियाकत, अरे साहब, साहब आप, साहब मुझे बुला लेते। साहब 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 बेटे साहब, कैसी हो बहन? ठीक हो? बैठो। साहब साहब ठीक हूँ साहब, मैं बैठ जाओ। लियाकत, माफ करना मेरे भाई, मैंने गुस्से में उल्टी सीधी बातें सुना दी तुमको, बाद में मुझे एहसास हुआ। साहब साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं साहब? कोई बात नहीं साहब। नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। लो ये पैसे रखो और किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपने बेटे का इलाज करवाओ। साहब 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 खरीद लिया आपने साहब मुझे, साहब ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। नहीं यार, मैं भी एक बेटे का बाप हूं, तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकता हूं। अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी दे, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। साहब मेरे पास अल्फाज नहीं है साहब, कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? आप तो मेरे लिए फरिश्ते हैं साहब, जिंदगी भर गुलाम बन के रहूंगा साहब आपका मैं, जिंदगी भर। अरे नहीं लियाकत, भाई हो तुम मेरे, दुआ करो कि मेरा बेटा भी बच जाए। या अल्लाह, खैर क्या हुआ छोटे साहब को? बस मेरे भाई, तुम ही बचा सकते हो मेरे बेटे को। मेरी जान भी हाजिर है साहब आप लोगों के लिए, आप हुक्म करके तो देखें, ना नहीं करूंगा मैं। बस मेरे भाई, इस हादसे की जिम्मेदारी तुम अपने सर ले लो। मैं वादा करता हूं कि चंद ही दिनों में तुम्हें जमानत पर रिहा करवा दूंगा। लेकिन साहब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे बेटे को, अच्छे से अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाऊंगा। बस मेरे बेटे को बचा लो। रो मत बहन, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और लियाकत की तुम फिक्र नहीं करो, लियाकत अच्छी तरह जानता है कि मेरे कितने ताल्लुकात हैं, मैं चंद ही दिनों में अपने भाई को बाहर निकलवा लूंगा। चलें साहब, कब चलना है? बस हमें फौरन पहुंचना है थाने, तुम ऐसा करो कि अपना शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस रख लो और फौरन मेरे साथ चलो। साहब वो तो मेरी जेब में ही है। बस तो फिर आ जाओ। चले साहब। आ जाओ भाई, देर हो रही है। शाबाश, आ जाओ। चले साहब चले। ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। वाह भाई वाह सेठ साहब, बड़ी जल्दी आ गए आप। क्या डिसाइड किया था? सुबह आके अखबार में जॉब सर्च करेंगे। अभी तो सो कर उठा हूँ यार। बोल क्या हुआ? चल तू सब छोड़, एक काम कर, चाय मंगवा लेते, पहले तो चाय पी अपनी आंखें खोल। हाँ दो चाय लाना, तो जब तक चाय भी फ्रेश हो मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। आमिर, तुझे याद है उस रात तूने एक एक्सीडेंट देखा था जिसमें वो बंदा मर गया था और तूने गाड़ी का नंबर पुलिस को दे दिया था? हाँ। तो फिर अबे यार उस केस में लईक के अब्बा को पकड़ लिया यार।
उन्होंने गाड़ी से मारा था उस दिन बंदा। क्या बात कर रहा है? अबे हाँ ना, ये देख तस्वीर भी छपी और उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। यार ये तो बहुत बुरा हुआ है यार, लईक बेचारा तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है यार। मैं तो सोच रहा हूँ लईक बेचारे का क्या हुआ यार, उस बेचारे को तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। पर जिसका कोई नहीं होता अल्लाह उसके साथ होता है। देखना जमानत करवा लेगा इसका सेठ। अच्छा तू भी ठीक बोल रहा है। अबे ये क्या, तू हर वक्त सेल्फियां लेता रहता है? ये क्या? अबे ये देख। क्या हुआ? उस रात मैं अपनी सेल्फी ले रहा था, पीछे कार एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें तो इत्तेफाक से कार आ गई यार। दिखा? देख यार, गाड़ी तो है लेकिन मुझे लग रहा है कोई लड़का चला रहा है, लेकिन शक्ल ही क्लियर नहीं आई तेरे कैमरे में। अबे 16 मेगापिक्सल कैमरा है, जूम कर जूम कर। अबे ये तो कोई लड़का है, लेकिन लई के अब्बू को क्यों पकड़ लिया पुलिस ने, और उन्होंने कबूलदारी भी दे दी। अबे यार मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये कहानी है क्या? यार पुलिस तो पुलिस है ना, मार मार के उगलवा लेती है झूठा सच्चा। यार ये तो पक्का सबूत है हमारे पास लई के अब्बा की बेगुनाही का, हमें उनकी मदद करनी चाहिए यार। चल थाने चलते हैं। नहीं भाई नहीं, ये पकड़ अपना सबूत, मैंने नहीं जाना थाने। तुझे पता है वैसे ही मुझे पुलिस वुलिस से बहुत डर लगता है भाई। तो बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है यार तू, हमारे दोस्त के अब्बा हैं यार वो। मैं तो जाऊंगा थाने। मैं फाइल को देख लूंगा, तुम तो फिक्र नहीं करो। एक्सक्यूज मी सर, सर सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कौन हो तुम? सर वो सेठ बहराम की गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था ना सर, उसी बारे में आपसे बात करनी है सर। बेटा उसका मुजरिम तो पकड़ा गया है। नहीं सर, मैं वही कहने आया हूँ सर, वो उसका मुजरिम नहीं है जिसे आपने पकड़ा है। क्या मतलब? सर उसके मुजरिम की तस्वीर है मेरे पास। जैसे एक काम करूँ, मेरे साथ आओ। ये लो बेटा, शाबाश मेरा बेटा शाबाश, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया कानून की मदद करके। सर अब तो असली मुजरिम का पता चल गया है ना सर। तुम फिक्र ना करो, अब असल मुलजिम को छोड़ेंगे नहीं हम। सर तो फिर उन्हें छोड़ दें सर, सर वो बेगुनाह है सर, उनका एक छोटा बेटा है सर, बहुत सख्त बीमार है वो, हमारा दोस्त है वो। हाँ हाँ बेटा छोड़ देंगे, बस कुछ कानूनी तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा करना होता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने ये सेल्फी और किस किस को दिखाई? सर किसी को भी नहीं सर, अभी तक तो सिर्फ मैंने ही देखी। और तुम उस हादसे की जगह पर उस वक्त क्या कर रहे थे? सर मैं बाइक वाह बच्चा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं कद्र करता हूँ तुम जैसे नौजवानों की। बेटा कभी भी कोई काम पड़े मेरे पास जरूर आना। थैंक यू सर। और हाँ बाइक चलाते वक्त सेल्फी मत लिया करो, क्यों अपनी जान खतरे में डालते हो? ठीक है सर, आइंदा ख्याल करूँगा सर।
सर मैं जाऊं। देखो बच्चा, तुमने हमारी मदद की, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि ना सेल्फी किसी को दिखाना और ना इस हादसे का किसी को बताना, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा मैं आगे जा रहा हूँ, तुम कहो तो छोड़ दूँ आगे? नहीं नहीं मैं चला जाता हूँ। चलो ठीक है बेटा, ऐसे जाना, शाबाश। फिर क्या सोचा खान साहब, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास? मगर इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा डिमांड नहीं करेंगे? अब लिख कर तो देने सर हमें आपको, ऐसे कामों में जबानी गारंटी होती है। ठीक है, 5 लाख का चेक दे देता हूँ। छी छी छी, अपने बेटे की आजादी की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए? पूरी पक्की पक्की 14 साल की सजा से बचा रहा हूं उसे मैं। तो फिर आप ही बता दीजिए। अब कम से कम 25 लाख तो बनते हैं। क्या 25 लाख? नहीं भाई नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। वैसे भी मेरा कारोबार बहुत ही नुकसान में जा रहा है आजकल। देखिए जनाब, मैं उतना ही खाता हूँ जितना हजम कर सकूँ, वरना तो मैं आपका ही घर भी केस में बिकवा सकता हूँ। बहुत सालिम होते हो तुम पुलिस वाले, दूसरों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हो। नहीं जनाब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। पुलिस कभी खराब नहीं होती, अगर आप जैसे लोग हमें खराब ना करें। जरा अपने गिरेबान में झांके, सारी फिल्म नजर आ जाएगी। बड़ा ही अच्छा इंस्पेक्टर था यार, बड़ी तारीफें कर रहा था मेरी। देखना जल्दी छोड़ देंगे अंकल को वो। पुलिस वाले और अच्छा, अबे सटिया गया क्या तू? अबे अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं भाई, पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ, अबे जब लईक के अब्बा ने उस बंदे को नहीं मारा तो उन्होंने अपनी कबूलदारी क्यों दे दी? अबे तूने ही तो कहा था कि पुलिस मार पीट कर भी उगलवा लेती अपनी मर्जी का बयान। यार मुफ्ते में बदनामी हो गई यार लईक के अब्बा की, अखबार में तस्वीर भी छप गई और टीवी पे पट्टी भी चल गई उनकी गिरफ्तारी की। एक तो इनको देखो, यहाँ इतना सीरियस मसला चल रहा है और ये अपने मोबाइल में लगे हुए। अबे अब क्या हुआ? क्या हो गया भाई बोलना। सेल्फी कहाँ गई यार? कौन सी सेल्फी? अबे वही सेल्फी यार जो इंस्पेक्टर को दिखाई थी मैंने। अबे वो एक ही तो सबूत था यार खालू की बेगुनाही का मेरे पास। ले भाई समझ गया मैं, उतार दिया उस पुलिस वाले ने काम तेरा, डिलीट कर दी सेल्फी उसने। हाँ यार तू ठीक कह रहा है यार, इंस्पेक्टर के अलावा मैंने किसी को सेल फोन भी नहीं दिया अपना। अबे यार तेरी उस सेल्फी को डिलीट करने से उस इंस्पेक्टर का क्या फायदा हुआ? अबे सीधी सी बात है ना यार, असल मुलजिम को बचाना चाह रहा है वो, नोट पकड़ लिए होंगे उस इंस्पेक्टर ने। अब क्या करें यार? अबे ऐसी की तैसी यार उस इंस्पेक्टर की, गूगल क्लाउड पे तो सेफ होगी ना वो सेल्फी, वहां से निकाल लेते हैं। चलो मंसूर भाई के पास चलते हैं। अबे ये मंसूर भाई कौन है? अबे वही ना यार न्यूज एडिटर, उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर होगी ये, ईंट से ईंट बजा देंगे इन इंस्पेक्टर की वो। चलो अब मंसूर भाई निपटेंगे इस केस से। चलो ठीक है चलो। तुम्हारी लापरवाही की वजह से कितनी बड़ी टेंशन से गुजर रहा हूं मैं, इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? सॉरी अब्बू, गलती हो गई मुझसे, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा कभी। देखो बेटा, तुम्हें बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च हो गए, लियाकत वो अलग सजा काट रहा है। वो तो मैंने मामले को संभाल लिया, वरना खुदा ना खास्ता तुम्हें 14 साल की सजा हो सकती थी। अब्बू मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक मेरा लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक गाड़ी नहीं चलाऊंगा। देखो बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ बस, अब उठो जाओ, फ्रेश हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है 2 दिन से, ठीक है? और सुनो, आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दोगे, समझे? जब
रोड एक्सीडेंट में आदमी को कुचलकर हलाक करने के इल्जाम में गिरफ्तार ड्राइवर बेकसूर निकला। सेठ बहराम ने अपने नौ उम्र बेटे बहरोज को बचाने के लिए ड्राइवर को कुर्बानी का बकरा बना दिया था। लाखों रुपए रिश्वत लेकर गरीब ड्राइवर का पर्चा काटने वाले राशि पुलिस इंस्पेक्टर सेठ बहराम और इनके मुलजिम बेटे बहरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बाकी सफ़ा नंबर 4 पर पढ़ें। अबे खबर तो हमें समझ आ ही गई है। चल यार लेक के घर चलते हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसके लिए फल लेके चलते हैं। वैसे उस बेचारे का ऑपरेशन जो हुआ है अभी, चल आ जा। सुबह इसका ऑपरेशन है बेटा, इसके लिए दुआ करना। मेरे तो अभी से हाथ पांव फूले जा रहे हैं। अरे आप परेशान मत हो खाला, छोटा सा तो ऑपरेशन है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। जल्द ठीक होके चलने लगेगा हमारे साथ। और आप टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं आपके साथ। लेकिन क्यों ले गए पुलिस वाले मेरे अब्बू को पकड़ के? अबे तू फिक्र मत कर यार, आ जाएंगे खालू भी एक दो दिन में। मैं गया था शाम को थाने, उनकी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ इंस्पेक्टर को। बस बेटा, मजबूरी भी इंसान से क्या कुछ करवा देती है, ये तुम नहीं समझ सकते। वैसे उनके सेठ ने वादा किया है, उन्हें बहुत जल्द छुड़वा के लाएंगे। कब आएंगे मेरे अब्बू, कब आएंगे? देखो बेटा, तकलीफ भी भूल गया ये अपनी, बस इसे तो अपना बाप याद है। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, सुबह हम जल्दी चक्कर लगाएंगे। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे।